आप लोगों ने बहुत बार कटलेट खाई होगी बाहर से मंगा के, एक बार घर पे इस तरीके से बना के देखो, आप बाहर से मंगाना भूल जाओगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च को क्रश कर लिया। एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल और इसमें ऐड करेंगे जीरा और हींग। इसमें ऐड कर देंगे क्रश्ड अदरक लहसुन। 1 मिनट इसे फ्राई करना है, फिर ऐड करेंगे हम हरा मटर और हरा मटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए और उसका कच्चापन ना चला जाए। हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है और इसे ऐड करके इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आलू को 1 से 2 मिनट भून लेंगे, फिर ही हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें मसाला में हमने ऐड किया है सौंफ पाउडर। आप सौंफ को ना क्रश कर लेना तो ये पाउडर आसानी से बन जाते हैं। मैंने यहाँ ऐड किया नमक और लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला और फिर इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक आपके मसाले के कच्चेपन ना चला जाए। तो लगभग 3 से 4 मिनट मैंने आलू के साथ मसाले को फ्राई किया और हमारे आलू बनके तैयार हो गए। तो चलिए अब बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने 4 से 5 ब्रेड को मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया। हम बनाएंगे स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हमने मक्के का आटा का यूज़ किया है। आप चाहो तो कॉर्नफ्लावर या मैदा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करके ऐसा रनी सा घोल तैयार कर लेंगे। फिर हम आलू का ना ऐसा लंबा शेप में लोई लेके सारा लोई बना लेंगे। उसके बाद हमने ब्रेड को लिया है और ब्रेड को हम पानी में डिप करके हथेली के मदद से उसका सारा पानी निकाल के फिर उसे थोड़ा चपटा कर लेंगे और फिर इसके अंदर आलू फिल करके कटलेट का शेप में बना लेंगे। इसी तरह मैंने बाकी का भी तैयार कर लिया कटलेट। उसके बाद अब हम क्या करेंगे ना, वो जो स्लरी बनाया है हमने उसमें डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से कोट करेंगे। इसी तरह आप सारे कटलेट बना के पहले रेडी कर लो, उसके बाद आप इन सबको एक साथ तेल में ऐड करना। आप तेल को गर्म होने रख देना पहले ही। जैसे ही आपके तेल गर्म हो जाएंगे तो एक एक करके सारे कटलेट को आप उसमें ऐड कर देना और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये पूरे रेड ना हो जाए। तो इसको फ्राई करने वक्त आप फ्लेम को मीडियम टू लो करके फ्राई करना। अगर हाई करके करोगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएगी। और कोई भी इस टाइप के जो पकोड़े होते हैं या फिर कुछ भी कटलेट वगैरह, इसको अगर आप मीडियम फ्लेम या लो, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो ये बहुत अच्छे से पकती है और इस मतलब अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाती है। तो आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करना रेड होने तक। और फिर हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया जब ये अच्छे से फ्राई हो गई। तो इस टाइप के आप छनोटे पे थोड़ी देर रख सकते हो, इसमें जो एक्सेस ऑयल होगा वो छन जाएंगे। तो इसे हमने खाया चाय के साथ, ये खा के हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको ये कटलेट की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।